स्वागत है, मैं हूँ प्रिया हिर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। देश में चल रही G20 की बैठक कल खत्म हो गई और देश की राजनीति एक बार फिर से लोकसभा इलेक्शन वाली पटरी पर आ गई। इसी बीच देश की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ गई और इस खबर में ये पता चल गया कि जनता आने वाले समय में किस नेता को पसंद करने वाली है। दरअसल विपक्षी दलों की तमाम कोशिशें मोदी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की फिराक में हैं। विपक्ष का मानना है कि मोदी को 2024 में जनता सत्ता से बेदखल कर देगी, लेकिन क्या जनता भी मोदी को सत्ता से बेदखल करना चाहती है? इसी को लेकर इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन ने एक सर्वे किया है। इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन के एक सर्वे में वो नाम आ गया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। इस सर्वे में मोदी और राहुल गांधी को रखा गया था। ऐसे में जब सर्वे किया गया तो पता चला कि विपक्ष की कोशिशों के बाद भी नरेंद्र मोदी 2024 में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौट सकते हैं। इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन के एक सर्वे के मुताबिक 2024 के चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 43% वोट शेयर के साथ 306 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन को 41% वोट शेयर के साथ 193 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। यही नहीं बल्कि सर्वे में बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं इसका भी जिक्र किया गया है। सर्वे के मुताबिक भाजपा अपने दम पर 287 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली 303 सीटों से 13 सीटें ही कम हैं। 2019 में एनडीए को 333 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार सीटें कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि सर्वे के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर बढ़ने का अनुमान लगाया गया, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी के साथ अलायंस में इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ने और फायदा होने का भी एक अनुमान है। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को 42 में से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए महज 18 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकती है। उधर बिहार में इंडिया अलायंस को 26 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए को भी 18 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री पद को लेकर भी सर्वे किया गया जिसमें इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी को पीएम पद का मजबूत दावेदार माना गया। राहुल गांधी के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी चुना गया है। इसके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम तीसरे नंबर पर लोगों ने पसंद किया है। बहरहाल कौन प्रधानमंत्री होगा इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया।